हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज आपके लिए बहुत ही मतलब मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में होटल में जाके खाते हो, और वो मैं आपके लिए लेके आई। तो मैं सोचा कि आपको एक ईजी रेसिपी दी जाए जो कि आप अपने घर पर बना सको आराम से, आपको मतलब होटल वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े। तो वो रेसिपी है मसाला डोसा की। तो मैंने मसाला डोसा की रेसिपी आपके लिए तैयार की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको बनाना है। और साथ में सांभर वगैरह और मैंने जो चटनी है नारियल की चटनी है उसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप मतलब अपलोड करी हुई है, तो आप हमारे चैनल में देख सकते हो। तो मैं उसका लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में पहले मतलब डाल दूंगी, तो आप देख लेना उसको, ठीक है? तो और मैं लेकिन मसाला डोसा के साथ एक डिफरेंट तरह की चटनी बना रही हूँ, तो वो आप जरूर देखना, ठीक है? इसको और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, उसको जरूर आप बनाना, जरूर ट्राई करना, इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं इसको, तो चलिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ले लिए हैं चावल। तो ये बारीक चावल है, देखिए ये बारीक वाले चावल है जो टूटे टूटे से होते हैं, वो चावल लिए मैंने इसके लिए डोसा बनाने के लिए। और इसके अंदर मैंने डाल दी है दाल, तो वो है माँ की दाल मतलब उड़द की दाल, धुली उड़द, तो वो डाल दी है। तो मैंने लिए हैं 2 कटोरी चावल और उसके साथ लिया है मैंने मतलब कि एक मतलब एक जो 1/4 होता है ना, तो वो लिया है मैंने इसमें उड़द की दाल, माँ की दाल धुली वाली। बाकी इसके साथ मैंने लिया है 1 चम्मच मेथी दाना, ठीक है? इससे ये क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी बनता है। तो इसको मैंने रात को भिगो दिया था। अब इसका मैं पानी निकाल दूंगी और इसको अच्छे से मैंने वॉश तो पहले भी कर रखा था, तो इसका पानी निकालने के बाद इसको मैं पीसूंगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसको पीस कर। आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ ना बर्ड आ रखी है और वो मतलब काफ़ी देर तक लगी रहती है आवाज़ निकालने पे, मतलब अच्छा भी लगता है लेकिन क्या पता आप लोगों को मतलब डिस्टर्ब हो रहा होगा, आपको ये डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो सॉरी उसके लिए। तो हम उसको भगा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो उसने वहाँ पर नेस्ट बना रखा है अपना, तो वो वहाँ पर बैठी हुई है, तो सब दिन भर उसकी आवाज़ सुनते रहते हैं हम लोग, तो आप लोग भी सुनिए उसकी आवाज़। सो फ्रेंड्स, ये डोसा का बैटर तैयार हो चुका है, देखिए ना तो ये ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा सा होना चाहिए, तो इस तरह से होना चाहिए, देखिए एकदम से पतला होगा तो टूट जाएगा, अगर उसका थिक पेस्ट होगा तो फिर वो भी सही से नहीं बनेगा, बहुत ही मोटा सा बन जाएगा। तो हमने ये पतला सा मतलब इसको पतला फैलाने के लिए जितना ये फैल जाए उतना बनाना है इसको, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये परफेक्ट बन चुका है इसका बैटर। अब मैं आपको आगे चटनी बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड, चटनी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई ले ली है, उसको मैंने गैस के ऊपर रख दिया गर्म करने के लिए, और उसके अंदर डालेंगे हम तेल। हमने तेल डाल दिया है 3 बड़े चम्मच, इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। दले चने होते हैं ना चने, तो उनको डाल देंगे इसके अंदर। तो मैंने 3 चम्मच डाल दिए और उसमें डाल देंगे हम धुली उड़द की दाल, तो ये 2 चम्मच डाल दूंगी मैं। और इसको हम भून लेंगे। हल्का सा ब्राउन कर लेंगे ताकि ये जो दाल है वो पक जाए और उसका कच्चा पानी वो थोड़ा दूर हो जाए, टेस्ट में अच्छा टेस्ट आए, इसको टेस्ट में कच्चा पानी ना आए, इसलिए थोड़ा सा भून लेंगे हम इसको। हल्का सा भून चुका है, अब इसके अंदर डाल देंगे हम कड़ी पत्ता। इतना बड़ा बना के जो डालना है इसलिए बहुत ही मतलब चटने लग जाता है। तो
थोड़ी सी और डाल देंगे। गैस को कर देंगे हम ऑफ, गैस हमने बंद कर दिया, इसको ठंडा होने देंगे। और फ्रेंड्स ये दाल वगैरह ठंडी हो चुकी है, अब इसको हम डाल देंगे जार के अंदर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है चटनी, आप इसको ट्राई जरूर करना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में। इसके अंदर मिला देंगे हम हरी मिर्च, तो मैंने एक ही हरी मिर्च के लिए, वैसे ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैं तीन हरी मिर्च ले लूँगी। इसके अंदर डाल देंगे जीरा आधा छोटा चम्मच, इसमें डाल देंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे और इसको पीस लेंगे। तो अब मैं इसको पीस के दिखाती हूँ, उसको ग्राइंड करके आती हूँ। फ्रेंड्स चटनी भी तैयार हो चुकी है और अब मैंने मसाला भी तैयार कर दिया इसके लिए, डोसा के लिए। तो ये आलू वगैरह मैंने बॉईल करके और इसको मैश कर लिया, इसमें मसाले वगैरह मिक्स कर लिए, जैसे कि आप आलू का पराठा बनाते हो ना इसी तरह से इसका मसाला बनाना है। बाकी ये बैटर तैयार हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ डोसा किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स मैंने तवा रख दिया उसके ऊपर और गैस के ऊपर रख दिया, और गैस मैंने मतलब पूरी फूल थी तो ये तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। और उसके बाद मैंने अब इसको बिल्कुल सिम कर दिया है, अब इसके ऊपर पानी डालेंगे हम तवे के ऊपर। ये नॉन स्टिक तवा है, ये देखिए पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से कपड़े से साफ सुथरे कपड़े से क्लीन करना है हमने, और इसमें हम डालेंगे डोसे का बैटर। और इस तरह की एक कटोरी लेनी है हमने और इससे इसको स्प्रेड करना है। गैस को हम पूरा कूल कर देंगे, और इसके ऊपर डाल देंगे तेल, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, आप बटर भी डाल सकते हो। इसमें डाल देंगे मसाला, तो आप पनीर का भी बना सकते हो, प्याज का मसाला भी बना सकते हो, आलू का भी बना सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा हो लगता हो पसंद हो उसी अकॉर्डिंग बना देना। और ये नीचे से पक चुका है अच्छे से, इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको हमने पलट दिया है, उसके दोनों साइड से हम इसको सेक लेंगे अच्छे से। देखिए कितना क्रिस्पी बन चुका है, तो ये हमारा डोसा तैयार हो चुका है, मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। और इसको निकाल देंगे हम प्लेट में, ये देखिए। We'll be right back.
फ्रेंड्स आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा, है ना, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है, मैंने कई बार बना चुकी हूँ उसको। और मसाला डोसा भी बहुत ही ईजी है, बस उसकी रेशियो का ध्यान रखना है आपने। आपने 2 कटोरी अगर चावल लिए हैं तो आपने क्या करना है, 1 कटोरी को 1/4 जो पार्ट होता है वो दाल लेना है, उड़द की दाल जो धुली होती है, और उसमें मेथी है वो एक चम्मच लेना है आपने मेथी का। तो इसको अपना रात को भिगो दोगे तो बहुत ही अच्छे बन जाती है, क्योंकि मौसम अब ठीक हो चुका है, तो आपको इसको रात को भिगोगे तो बहुत ही अच्छा उसमें खमीर निकल जाता है और बहुत ही अच्छा डोसा बनता है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना आपने, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, जरूर लाइक करना इसको, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।